ਘਟਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਓ ਯਾਰ ਮਨਾ ਅਲਹਮ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ ਚੱਲ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عباس حمزہ देर हो रही है स्कूल लगने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं मामा लंच रहने तो आज मेरा हाफ डे है ओहो मैं तो भूल ही जाती हूँ मामा शूज के चश्मे ये सब ना तेरे बाप की वजह से होता है एक तो वो देर से उठता है और फिर इधर आ ओ रुक जा क्या हुआ है वो भी चली है चली है बिल्कुल अब पता नहीं तुझे रख इधर पैर रख ओ ये काम ही मेरा है ये जब बड़ा हो तो इसे भी तो एहसास हो ना कि इसे अपने बाप से बड़ा आदमी बनना है है कि नहीं इधर ला जल्दी से चाय पिला दे मुझे आके पी लेना ना ले तेरी चाय के चक्कर में पूरा चक्कर काट के आऊंगा मैं नहीं पीनी चाय होटल से पी लूंगा मैं ना जी ना पहला कप तो घर से पी के जाना पड़ेगा बेटा मैं क्या करूं तेरे पापा पापा की कोई गलती नहीं मेरी बेल्ट कहाँ है हाय मैं मर गई अब ये बेल्ट कहाँ चली गई है वो बेल्ट किसी काम से चली गई होगी तूने कहीं भेज दी होगी भूल गई होगी तू बजाय इसके कि मेरी मदद करो बातें ही करते रहना कहाँ चली गई है अबे ये कौन है मसवाक बेचने वाला लगता है तो काम कर अपना अस्सलामुअलैकुम आज मेरी बेटी की सालगिरह है अच्छा तरीका है भीख मांगने का तोहफा है बेटा मेरी सोगरा की सालगिरह अबे तो अपनी बेटी को भी साथ ले आता उसकी सालगिरह यहीं मना देते शर्म होया नाम की कोई चीज है तुम लोगों के अंदर न दीन का पता न दुनिया का गुनाहों के कटर में गिर चुके हो तुम लोग अभी वक्त सुधर जाओ वरना 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 क्या होगा अंकल What is this? मैं पूछा क्या ये? Enough is enough. That. Thank you.
मौलवी अपनी तकरीर कहीं और जाके कर, हमें सब पता है। अगर सब कुछ पता है तो कहो या अली मदद और छोड़ दो ये सब कुछ। सोहराब पंचतन पाक तो वो हस्तियां हैं जिनके करीब होने से इंसान बुराइयों से दूर हो जाता है। To hell with you and your advice, dad. मुझे लेक्चर मत दीजिए, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में। आप जैसे लोग किसी को खुश नहीं देख सकते। ये ऐसे नहीं जाएगा। मेरी बच्ची को क्या हो गया? आप ही उठाए ना सुगरा को, क्यों नहीं बोलती हूँ? खुदा करे कि ये वक्त किसी माँ बाप पर ना आए। हमारी मौजूदा नस्ल किताब और नसीहत से दूर हुई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करीब हुई। हमारे पास किताब भी है, मुकर्रर भी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लिहाजा इन बच्चों की जहनी, रूहानी और मजहबी तरबियत के लिए हमारे साथ शरीक हो जाए और भेजिए अपने डोनेशंस, ताकि इस गुमराही के दौर में हम डेवलप कर सकें फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोग्राम्स। तेरे अब्बास पे जाऊंगा, अपनी बीबी सकीना का वास्ता दूंगा। कौन कहता के पानी को मानती हो ना, तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा। डोनेशंस के लिए राबता कायम कीजिए कौसर टीवी से। सवार डॉक्टर बनना चाहता है। ओ
सर फटी हुई किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। चल बेटा चल, दुकान बंद हो गई। इमरान बेचारा अंधा है, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। जूस पीने आती थी, मगर मेरे बाबा नहीं है। आज मैं माइंड फाउंडेशन की वजह से अच्छी तालीम हासिल कर रही हूँ। बच्चों को भी सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकते हैं। आइए माइंड फाउंडेशन का साथ दीजिए, एक ऐसा इदारा जिसने जिम्मेदारी उठाई बच्चों की सेहत, तालीम और यतीम की कफालत का। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी तवज्जो के मुंतजिर हम सब। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। बेटा देर हो रही है, तुम इसे बाजार से ले देना ना। ओ देख, ये बैल उड़ के अपने आप वापस आ गई। ये देख, देख रहा है, उठे काम करती है तेरे माँ। बस तुम भी ना, चल बैल पहना इसे। اے میرے مولا، اپنے اس غلام پہ نظر کرم فرما دے، اپنی آل کے صدقے میں ایسے اسباب پیدا کر دے کہ کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب کربلا کی مٹی اپنے ماتھے پہ لگانا چاہتا ہوں۔ ध्यान से रख।
बात नहीं कर, और बैठ जा आराम ना, बैठ जा आराम से। क्या हरकतें कर रहा है ये? जैसे रोज करता हूँ। और ना किया कर, मेरा इतरा निकल जाता है, जान निकल जाती है मेरी। पापा ग्रैंडपा भी तो आपको इसी तरह छोड़ने जाते थे स्कूल। ग्रैंडपा? और ग्रैंडपा कौन? भाई मेरे दादा जान। ओए दादा जान, अरे तेरा दादा भी इस तरह स्कूल मुझे रोज छोड़ने जाया करता ना, तो मैं भी पढ़ जाता। कोई बात नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। जो तेरा दादा मुझे बनाना चाहता था ना, तो मौला के करम से, मौला के हुक्म से मैं तुझे बना के छोड़ूंगा। हाँ हाँ भाई। हाँ मेरा शेर। हाँ अरे दिल लगा के पढ़ा कर, जा रब रखा। अरे ये तो मैं देना ही भूल गया। अरे लेकिन है क्या ये? ये मेरा टेस्ट पेपर है, रिजल्ट में पूरे नंबर लिए हैं। ओ खुश रह चीते मेरे। तकदीर है मेरी। तेरी तकदीर क्या बुझारते डाल रहा है यार? भाई मुस्तफा बुझारते नहीं डाल रहा, मेरे पुत्र ने ना, मेरे हमजा ने पूरे स्कूल में से 100 में से 100 नंबर लिए। फिर क्या हुआ 100 में से 100 नंबर लिए? बनना तो उसने भी ड्राइवर ही है ना तेरी तरह चिंगची का। जा अबे बड़ा ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं बनना उसने। उसने अपने प्यो का हाँ पूरा कर रहा है, डॉक्टर बनाऊंगा उसे, मौला के हुक्म से डॉक्टर बनाऊंगा उसे। ठीक, देखता रहा ख्वाब, ख्वाब देखने पर कौन सी पाबंदी है, देखता रहा ख्वाब। अल्लाह तेरी रंगो रंग दे बाग लवांदा, अगलियां सफां नू वलेट लैंदा, तू हो करते अंगूर चढ़ाया। अब्बास भाई शरीयत है, पेट्रोल खत्म हो गया। और तू भी ना यार, और तू खुद अच्छी तरह जानता है जिस पे मौला का करम हो ना, और ना तो उसकी गड्डी का पेट्रोल खत्म होता है ना उसकी जिंदगी का। और ये तो मैं इसलिए तका लेके जा रहा था ऐसे कि कहीं मेरे हमजा की आंख खुल गई और उसे जिद करनी है कि अब्बा चल मुझे घुमा फिरा के ला, और इनकार मुझसे होना नहीं है। ये दूसरी बात है कि सुबह मोहल्ले वाले उठेंगे तो कहेंगे हमारी नींद खराब कर दी,
मैं करके साथ साथ ना मोहल्ले के आराम का भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए बास भाई, बिल्कुल करना चाहिए। खुश रहा यार, खुश रहा। अच्छा तरीका है भीख मांगने का। हमारी मौजूदा नस्ल किताब और नसीहत से दूर हुई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करीब हुई। पंचतन पाक तो वो हस्तियां हैं जिनके करीब होने से इंसान बुराइयों से दूर हो जाता है। To hell with you and your advice, Dad. तो कहो या अली मदद और छोड़ दो ये सब कुछ और भेजिए अपने डोनेशंस ताकि इस गुमराही के दौर में हम डेवलप कर सकें फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोग्राम्स। मैं तेरे अब्बास पे जाऊंगा, उन्हें बीबी सकीना का वास्ता दूंगा। अम्मा, तुम जिनको मानती हो ना वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। जो अवेयरनेस दे सकें इस आने वाली नस्ल को। सवार डॉक्टर बनना चाहता है। पागल अक्सर फटी हुई किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। चल बेटा चल, दुकान बंद हो गई। इमरान बेचारा अंधा है, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। आज सईद के घर में खाना बनेगा, वो बहुत खुश है। मैं भी अपने बाबा के साथ इसी जगह जूस पीने आती थी, मगर मेरे बाबा नहीं है। आज मैं माइंड फाउंडेशन की वजह से अच्छी तालीम हासिल कर रही हूँ। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी तवज्जो के मुंतजिर हम सब। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। I'm not sure.
हृदय जी क्या किया तूने? अभी तक हमजा को तैयार नहीं कराया। कहाँ जाना है? वो स्कूल नहीं जाना इसने। पापा, आज सैटरडे मतलब हफ्ता। इधर है जरा। आज मेरे हमजा की छुट्टी है। हाँ बढ़िया है, हमजा की छुट्टी है तेरी। खाली तेरे हमजा की छुट्टी है, मेरे हमजा की छुट्टी नहीं है। मेरे हमजा कुछ नहीं लगता है इधरा। बड़ा माँ का लड़का है, माँ का बड़ा लड़का है। पापा आप भी छुट्टी कर लो ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। बेटा अगर तेरे बाप ने छुट्टी कर ली तो उसकी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? कौन सी ख्वाहिश? तेरे बाप की एक ही तो ख्वाहिश है कि हजरत इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत कर सकूं और करबला की मट्टी अपने माथे पे लगा सकूं। दिन रात मेहनत करते हो, तू भी जान सकती। छोड़ ना, तू भी क्या बातें लग रही। अरे मौला करम करने वाला है, कोई ना कोई सबब बना देगा। और जहां तक सवाल है छुट्टी का, वो कल इतवार है, आराम से चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और छोले छोले खाएंगे, हैं पाय शाय कुल्फी शुल्फी, मीनारे पाकिस्तान, ओए शाही किला, सब घुमाऊंगा तुझे। ठीक है, फिक्र ना किया कर। और तू इधर आ काकी, इधर आ, एक अच्छी सी जफ़ी दे इधर। तुझे जफ़ा लगाता हूँ ना तो कलेजे में ठंड पड़ जाती है। जी मैम। रब रखा। बाबूजी खैर है? खैर है बेटा, वो वसनपुरे छोड़ दोगे हमें? बाबूजी क्यों नहीं, साथ बिस्मिल्ला आओ। लेकिन बेटा वो पैसे नहीं है हमारे पास। बाबूजी क्या बात की है, पैसों का क्या है, मौला करम करने वाला है ना। आ प्रा, आ मेरे प्रा, आराम से आजा आजा। बस 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 बेटा ये घर, चलो चलो बेटा संभलो, इधर सहारा देना। जरा दरवाजा खोलना बेटा। अब्बा जी क्या कहा? बताते हैं बेटा, अंदर तो आने दो। बिस्मिल्लाह आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, आराम से शाबाश शाबाश शाबाश। ये दवाई है बेटा और साथ मरहम भी। जख्म को अच्छी तरह गर्म पानी से धो के ना ऊपर लगाना है, इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा अब्बा जी, पापा जी मैं पूछ सकता हूँ कि इसे हुआ क्या है? गुर्दा बेचा है बेटा। पर आपने बेच नहीं दिया। मैं कभी भी इसको गुर्दा ना बेचने देता अगर बेटा मैंने अपना ना बेचा होता। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था बेटा। पर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी?
इसकी माँ को बचाने के लिए बेटा सूद पर कर्जा लिया था, और सूद में बाप बेटे के गुर्दे भी चले गए और कर्जा नहीं कर रही। अब्बा जी दुआई। अल्लाह बेटा, उठो बेटा, शाबाश शाबाश। बाबा जी कर्जा देते अगर आपकी जान चली जाती तो? शायद रब ने दो गुर्दे बनाए इसीलिए थे बेटा। एक गुर्दा कितने का बिकता है? 1,00,000 में बात हुई थी, 70,000 दिया है। और बाकी? बाकी जिसने सौदा करवाया है उसने कमीशन ले लिया है। कमीशन? ये लोग है कौन? वो बेटा, वो जहां से तुमने हमें उठाया था ना, ये वहीं रहता है। लेकिन बेटा कोई कानूनी कार्रवाई ना करना, वरना हम मुश्किल में फंस जाएंगे। मुश्किल तो मौला मुश्किल कुछ आने आसान कर दे, बाकी मौला कर देगा। जीते रहो। शेर आ गया है? देखा, मैंने कहा था ना पापा जाग रहे हैं। तुम जाग रहे हो? और मैं सोया ही कब था। क्या बात है, सब खैर है ना? रात भी तुमने खाना नहीं खाया। अरे दा, एक प्यासा कुएं की तलाश में भटक रहा था, कुआ को चलकर प्यासे के सामने आ गया। प्यास के साथ साथ भूख भी मिट गई मेरी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे दा, मामा पापा चले अभी आपने कपड़े भी चेंज करने। अब काम करते हैं ना, जल्दी चल। लेके चलते हैं हमजा को पार्क, वहीं पे चल के तुझे समझाता हूँ। अल्लाह अब बताओ। तो बस अल्लाह करे कि अजरे रिसालत का हक हम मोहब्बत की जुबान से अदा कर सके। आमीन। लेकिन बात क्या है? तो तूने वो वाकया तो सुना होगा कि एक जालिम बादशाह के कानून के मुताबिक लोग अपने हाथ कटा के भी करबला की ज़ियारत को जाया करते थे। Thank you.
السلام علیکم. اچھا طریقہ ہے بھیک مانگنے کا. ہماری موجودہ نسل کتاب اور نصیحت سے دور ہوئی اور الیکٹرانک میڈیا کے قریب ہوئی. پنجتن پاک تو وہ ہستیاں ہیں جن کے قریب ہونے سے انسان برائیوں سے دور ہو جاتا ہے. To hell with you and your advice, Dad. اور بھیجیے اپنے ڈونیشنز تاکہ اس گمراہی کے دور میں ہم ڈیولپ کر سکیں فلمیں، ڈاکومنٹریز، پروگرامز. میں تیرے عباس پہ جاؤں گا، بی بی سکینہ کا واسطہ دوں گا. تم جن کو مانتی ہو نا، وہ تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دیں گے. جو اویئرنیس دے سکیں اس آنے والی نسل کو. सवार डॉक्टर बनना चाहता है. पागल अक्सर फटी हुई किताब को पढ़ने की कोशिश करता है. चल बेटा चल, दुकान बंद हो गई. इमरान बेचारा अंधा है. क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है. आज सईद के घर में खाना बनेगा, वो बहुत खुश है. मैं भी अपने बाबा के साथ इसी जगह जूस पीने आती थी, मगर मेरे बाबा नहीं है. माइंड फाउंडेशन की वजह से अच्छी तालीम हासिल कर रही हूँ. हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए. हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए. आपकी तवज्जो के मुंतजिर हम सब. हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए. हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए. मान की बात है, जितना इश्क ज्यादा होगा उतनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है. वो इश्क ही तो था जिसने सजदे में सर कटा दिया, और वो इश्क ही था जिसने अपनी प्यास अपने खून से बुझा दी. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کربلا کی راہ میں جو بھی قربان کیا جائے کام ہے. بات تو سچ ہے. کہیں تمہارا ارادہ بھی تو ہاتھ کٹانے کا نہیں ہے. جنہیں لگ جاتی ہے نا وہ اسی کے ساتھ لگ جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اوئے بھائی خوشخبری سن، میرے عشق کو اپنی منزل ملنے جا رہی ہے. میرے کربلا جانے کا انتظام ہو گیا ہے. اچھا کیسے؟ بس میرے مولا کی نظر کرم سے. پر تم لوگ نہیں جا سکو گے میرے ساتھ. کوئی بات، تم جا رہے ہو نا، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے. کیسا ٹنگ ملنا کرا جد ہوئے.
जा बेटा घर चले। रुक जाना थोड़ी देर खेलने जैसे, और हो सकता है कल पहली मुहर्रम हो, घर जाके तैयारी भी करनी है। ओ, हाँ, कल पहली मुहर्रम है। ओ, चल पुत्र चल, नियाज भी देनी चल गया। इधर आ मेरा शाबाश। अब्बा, हाँ तो अब्बास मियां, बात दरअसल ये है कि इन लोगों को फिलहाल गुर्दे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन 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 अब तुमने भाई ऐसी प्रॉब्लम बताई है कि उसका इनकार मैं तो कर नहीं सकता। देखो ना, मौला खुश रखे तुम्हें, इंसान को गुनाहगार होने से डर तो लगता ही है ना। जी मौला खुश रखे आपको। हाँ बेशक बेशक। देखो बास मियां, वैसे तो ये लोग आम तौर पर एक गुर्दे के 70-80 हज़ार दे देते हैं, लेकिन अब इस वक्त उनको तो ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत तो है तुम्हारी। तो मैं बहुत ज़ोर लगा के कोशिश करके तुम्हें कोई 60-1 हज़ार रुपये दिला दूँगा। 60 हज़ार? वो भी तुम्हारी ख्वाहिश को देखते हुए। हाँ तुम्हें पता है भाई, ये इदारा तो गुर्दे बेचता ही नहीं है, ये तो लगाता है फीस अभी लीला लोगों को। ये तो तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और मैं कहता हूँ नेकी भी मिल जाएगी, तुम तो बिल्कुल प्रॉफिट ही में रहना। जी बहुत बेहतर, लेकिन वो जी वो आपका कमीशन? कमीशन तो बताओ तो वह ना बाबा ना, ऐसे नेक काम में भला कमीशन कैसे ले सकता हूँ मैं। ना ना बस तुम ज्यारतों पे जाओगे तो हम फकीरों के लिए तो आकर छोड़ना, यही बहुत। जी वो भी, ये भी कोई कहने की बात है, बिल्कुल करूँगा जी। बस फिर शनाख्ती कार्ड की काफ़ी, कल ले आना तुम, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा काम कल ही करा दूँ। हाँ बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। ना ना इसमें मेहरबानी की क्या बात है भाई, मैं तुम्हारे काम आ जाऊं और ऐसे नेक काम आ जाऊं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए। ओ जी कल मैं हाजिर हो जाऊं तो पैसे भी कल ही मिल जाएंगे ना मुझे? हाँ पैसे कल तो मुश्किल हो जाएगा ना, परसों तक होगा, क्योंकि वो लोग तो चेक देते हैं ना अब्बास मियां, और चेक अकाउंट में होते हैं और अकाउंट तुम्हारा होगा नहीं। तो मैं ऐसा करूंगा कि कोशिश करूंगा जोर लगा के अपने नाम का चेक बनवा लूंगा, फिर कैश करा के तुम्हें परसों दे दूंगा। मौला खुश रहे। मौला आपको ढेरों खुशियां दे, आबाद रखे आपको। अरे एक बकरे का इंतजाम किया है। हाँ कल आ जाएगा, कल। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। मौला खुश है क्या? मौला खुश रखे तो बेवकूफ, मौला बेवकूफों को खुश नहीं रखता, वो अकलमंदों को खुश रखता है। बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। क्या कर रही है तू अभी तक? तूने कपड़े ही नहीं बदले। वो मैं हमजा को तैयार कर रही थी। और तो जल्दी करना, कहीं मजलिस शुरू ना हो जाए। बस एक मिनट तक माँ, मैं जूते। ना बेटा ना ना, जूती नहीं पहनी।
क्यों पापा? देख बेटा, मौला इमाम हुसैन तपती रेत पे शहीद हुए थे और हम उनके आशिक होते इन दिनों में जूतियां पहने ना मेरा बेटा, समझे? चल चले, वैसे ही देर हो गई है, तू जाके तैयार हो, आ जा पुत्र, आ जा। भूल जाएंगे हर गम, हम तेरा न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे। पानी पियो, तू याद करो प्यास माँ की, करबला न भूलेंगे, भूल जाएंगे हर हम। अपनी जिस ख्वाहिश के पूरा ना होने के ख्याल से मेरा दम घुटता था, वो इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे मौला, आपकी नजर कम रही तो आपके पास आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे मौला, मुझ पे बिताते और मेरे हमजा पे अपना कर्म करना, यही कर्म करना मेरे मौला। अच्छा तरीका है भीख मांगने का। हमारी मौजूदा नस्ल किताब और नसीहत से दूर हुई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करीब हुई। तो कहो या अली मदद, और छोड़ दो ये सब कुछ और भेजिए अपने डोनेशंस, ताकि इस गुमराही के दौर में हम डेवलप कर सकें फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोग्राम्स। मैं तेरे अब्बास पे जाऊंगा, उन्हें बीबी सकीना का वास्ता दूंगा। अम्मा, तुम जिनको मानती हो ना, वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, जो अवेयरनेस दे सकें इस आने वाली नस्ल को।
सवार डॉक्टर बनना चाहता है। पागल अक्सर फटी हुई किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। चल बेटा चल, दुकान बंद हो गई। इमरान बेचारा अंधा है, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। आज सईद के घर में खाना बनेगा, वो बहुत खुश है। बाबा के साथ इसी जगह जूस पीने आती थी, मगर मेरे बाबा नहीं है। आज मैं माइंड फाउंडेशन की वजह से अच्छी तालीम हासिल कर रही हूँ। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी तवज्जो के मुंतजिर हम सब। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। बहुत परेशान कर दिया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, तू अंदर चल। अल्लाह पेट में क्या दर्द हो रहा है? ओ नहीं, अब तो सारे दर्द खत्म होने जा रहे हैं। रिदा, तुझे याद है मैंने बहुत पहले तुझे एक पुराने जमाने की कहानी सुनाई थी, जिसमें बहुत सारे लोग हजरत इमाम हुसैन के रोजे की जियारत के लिए अपने हाथ कटवा दिया करते थे। हाँ, लेकिन मैंने एक अपना कुर्ता बेच दिया। क्या? वो अपना हमजा जाग जाएगा। हमारे नसीबों को सुला के बच्चे के जाग जाने की फिक्र है तुम्हें? वे नसीब सोए नहीं जाके मेरे।
तभी तो एक आशिक की दिली मुराद पूरी होने जा रही है। ये कैसा इश्क है जिसने तुम्हें अधूरा कर दिया? अधूरा? अधूरा कहां से? वक्त तो मैं पूरा हो जाऊंगा जब उस खाकी शिफा को चुभूंगा जहां मेरे आका के नवासे को शहादत मिली थी। तुम इस इश्क में इतने जुनूनी हो गए? इश्क शुरू ही जुनून से होता है, वो यही तो है आले रसूल का इश्क, वो यही है हिजर से विसाल का जुनून। हाँ तेरी मेहरबानी, और इस बारे में ना हमसा को कुछ ना बताना। कैसे छुपाऊंगी? मेरी आंख के बेजुबान आंसू इस कहानी को छुपा नहीं सकते ना। वो पागल, खुशी में रोते थोड़ी हैं। देख कल मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं 40वें तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा अपने मौला के करम से। और चल थोड़ा सा आराम कर लूं, सुबह पैसे भी तो लेने जाना है। आ जाएगी सुकून की नींदर, सुभान अल्लाह, शुक्र मालिक तेरा, एहसान इतना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد अच्छा तेरी बारी है। اللهم صل على محمد وآل محمد ये लोगों के गुर्दे बेचता था, लाखों रुपए कमाया था, मजबूर और बेबस लोगों के गुर्दे बेचकर इसलिए रेड डाली है। अब पुलिस उन लोगों को तलाश कर रही है जो यहाँ आकर गुर्दे बेचते थे। बेचारों का क्या कसूर है? ओहो, वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अगर कोई रिश्वत लेगा नहीं तो देने वाला कहाँ से देगा? मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो जी, मैं इधर अपनी चिंची पे से गुजर रहा था, ये सब देखा तो रोक दिया, चला जाता हूँ। जाओ अपना काम करो, जाओ यहाँ से। صلی علی محمد وآل محمد اے رب کریم کربلا کی زیارت پہ بلا لے مجھے
दफा मौका दे दे मुझे, एक करबला की खाक मैं अपने माथे पे लगा सकूं, एक दफा ओ मेरे मौला, और रहम कर दे मौला, तेरे बस में क्या नहीं है, कर दे, बुला ले अपनी मट्टी पे, रहा नहीं जा रहा हम, और नहीं सह पा रहा मैं, मुझे करबला की ज़ियारत हो गई, मैंने प्यासों की प्यास को देखकर, मैंने सबर करते हुए देखा, मेरे मौला, मौला क्या दिखाया मुझे, मैंने खेमों में से तू और तेरे देखा, प्यासों को सत के जाओ मैं अपने हुसैन के, सत के जाओ मैं अपने मौला अली के, और मैंने प्यासों को शहीद होते देखा है रिदा, मैंने देखा है, मुझे कसम है पैदा करने वाले की, मैंने देखा है, मैंने देखा, मैंने देखा, मुझरे खल्क में इन तरीका है भीख मांगने का। हमारी मौजूदा नस्ल किताब और नसीहत से दूर हुई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करीब हुई। पंचतन पाक तो वो हस्तियां हैं जिनके करीब होने से इंसान बुराइयों से दूर हो जाता है। To hell with you and your advice, dad. तो कहो या अली मदद और छोड़ दो ये सब कुछ और भेजिए अपने डोनेशंस ताकि इस गुमराही के दौर में हम डेवलप कर सकें फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोग्राम्स। मैं तेरे अब्बास पे जाऊंगा,
अपनी बीबी सकीना का वास्ता दूंगा। अम्मा, तुम जिनको मानती हो ना, वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। जो अवेयरनेस दे सके इस आने वाली नस्ल को। सवार डॉक्टर बनना चाहता है। पागल अक्सर फटी हुई किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। चल बेटा चल, दुकान बंद हो गई। इमरान बेचारा अंधा है, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। आज सईद के घर में खाना बनेगा, वो बहुत खुश है। साथ इसी जगह जूस पीने आती थी, मगर मेरे बाबा नहीं है। आज मैं माइंड फाउंडेशन की वजह से अच्छी तालीम हासिल कर रही हूँ। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी तवज्जो के मुंतजिर हम सब। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए।
علی اکبر کا کلیجہ तरीका है भीख मांगने का। हमारी मौजूदा नस्ल किताब और नसीहत से दूर हुई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करीब हुई। पंचतन पाक तो वो हस्तियां हैं जिनके करीब होने से इंसान बुराइयों से दूर हो जाता है। To hell with you and your advice, Dad. और भेजिए अपने डोनेशंस ताकि इस गुमराही के दौर में हम डेवलप कर सकें फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोग्राम्स। मैं तेरे अब्बास पे जाऊंगा, मेरी बीबी सकीना का वास्ता दूंगा। अम्मा, तुम जिनको मानती हो ना, वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। जो अवेयरनेस दे सकें इस आने वाली नस्ल को। सवार डॉक्टर बनना चाहता है। पागल अक्सर फटी हुई किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। चल बेटा चल, दुकान बंद हो गई। इमरान बेचारा अंधा है, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। आज सईद के घर में खाना बनेगा, वो बहुत खुश है। मैं भी अपने बाबा के साथ इसी जगह जूस पीने आती थी, मगर मेरे बाबा नहीं है। आज मैं माइंड फाउंडेशन की वजह से अच्छी तालीम हासिल कर रही हूँ। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी तवज्जो के मुंतजिर हम सब। हमारी मदद के लिए अभी कॉल कीजिए। एक गठड़ी
शहद पोश्त पे लाए मैंने टुकड़े हुए कासिम का जनाजा कहती थी ज़ैनब मुस्तर के खुदा खैर करे कहती थी रात को ख्वाब में हूरियां सर जहरा हाँ देखा मुझ रही कहाँ सुगरा से
कहूं किस्मूसे के परदेस में क्या क्या मुझ रही